तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो सेट है वो आपका जो है 10/8/2018 शिफ्ट, पहला शिफ्ट का है ये आपका 10/8/2018 का ये प्रीवियस है। और पहला क्वेश्चन है आपका 2113, कहता है इस क्वेश्चन में कि 900 मीटर की एक दौड़ में सतीश किरण को 270 मीटर से और राहुल को 340 मीटर से पराजित करता है, इसी दौर में किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित करेगा। तो 900 मीटर की दौड़ है, यानी ये 900 मीटर का जो है ये तय करेगी दूरी, और सतीश जो है किरण को 270 मीटर से 270 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब है कि ये 630 मीटर की दूरी तय करेगी, और यही सतीश जो है राहुल को आपका 340 मीटर से पराजित कर देते हैं। 340 अगर आप घटाइएगा तो यानी ये जो है राहुल 560 मीटर की दूरी तय करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी दौर में, यानी 900 मीटर के ही दौर में किरण जो है राहुल को कितने मीटर से पराजित करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ये 630 की दूरी तय करेगा तो ये 560 की दूरी तय कर रहा है, यानी 70 मीटर का जो है गैपिंग आ गया है। इसका मतलब है कि 630 मीटर का ये किरण जब दूरी तय करेगा तो 70 मीटर से जो है उसको पराजित कर देगा राहुल को। तो एक मीटर की दूरी में जो है 70/630, और ये हमारा जो रेस है वो आपका 900 मीटर का है। तो हम 900 मीटर में निकाल कर देखते हैं कि इस रेस में जो है वह कितना से उसको हरा पाएगा। तो ये जो आपका जो आ गया वो आपका आंसर आ गया, यानी 900 मीटर के रेस में किरण जो है राहुल को 100 मीटर से पराजित करेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 14 नंबर 2114, कहता है वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर खर्च कर देता है। अगर हम उसका टोटल किराया 100 मान लें, 100, तो 100 में से वह जो है 15% घर के किराए पर खर्च कर देता है, और कहता है शेष का तो बचा कितना, 85%। 85% ये शेष हो गया। शेष का 60% वह घरेलू खर्चों पर व्यय करता है यदि वह 2210 रुपये की बचत करता है। तो 60% आपका जो खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 40%। और इस तरह से ये टोटल जो है 2210 रुपया के बराबर होगा। तो ये हम कैंसिल कर देंगे यहाँ पे 17/5, और ये आपका 20 दूनी आपका हो गया 17 से अगर हम काटेंगे तो 1/13, 2 से काटेंगे 65, यानी 1 में जो है आपका 65 हो गया। तो 100 में कितना हो जाएगा, 6500, यानी ए नंबर ऑप्शन आपके सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पंद्रह नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है, डाटा शहर दिया गया है, जनसंख्या, शिक्षित लोग, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड और एजुकेटेड परसेंट का जो है परसेंटेज दिया गया है। तो क्वेश्चन में कहता है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर, यानी जो डाटा आपके पास उपलब्ध है उसको देखकर आप जो है शहर सी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है 1 दशमलव तक पूर्णांकित कीजिए। तो सी में जो है 50 दिया गया है शिक्षित लोग, और टोटल जो वहाँ जनसंख्या है 150 है। तो 150 का 1/3 50 होता है, यानी 1/3 का परसेंटेज 33.3% होगा। तो बहुत ही सिंपल परसेंटेज है ये आपका, 50 है एजुकेटेड का परसेंट, एजुकेटेड पर्सन जो है 50 है, टोटल वहाँ की जनसंख्या 150 है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 33.3% सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, 16 नंबर क्वेश्चन। 4:37 दोपहर के बाद के समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कितना कोण बनेगा, ये पूछ रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है आपका रीजनिंग पार्ट का क्वेश्चन आ गया है। तो मैं बहुत सारे जो है पहले भी बता चुका हूँ कि मैं रीजनिंग पढ़ाता नहीं,
और मैथ्स फुल्ली जो है मैं पढ़ाता हूँ, और रीजनिंग में जो पार्ट्स आए हैं जैसे कि जो है मैथमेटिकल रीजनिंग जितने भी हैं उसको भी मैंने जो है पढ़ाना छोड़ दिया है। तो आप रीजनिंग वाले किसी भी टीचर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं आगे जब भी जो है इस क्वेश्चन को हालांकि मैं सॉल्व कर देता हूँ, आगे जब भी क्वेश्चन रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, जैसे ग्रुप डी का जो है सेशन जब चालू होगा तो उसमें जो है हर सेट में 2 से 3 काउंटिंग फिगर मिलेंगे आपको, कैलेंडर का क्वेश्चन मिलेगा, क्लॉक का क्वेश्चन मिलेगा, पता नहीं इसमें जो है इंक्लूड कर दिया है तो बताना तो है ही। तो जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे किसी न किसी टीचर से जो है उसका छोटा सा क्लिप बना के मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, हालांकि मैं रीजनिंग का कोई भी पार्ट्स पढ़ाता नहीं हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 4:37 दिया गया है, या दोपहर में यानी PM हो गया ये आपका। तो आप इसको जो है किसी भी मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे या फिर किसी भी रीजनिंग वाले टीचर से आप इसको पता कर लीजिएगा। एंगल्स शायद ये फार्मूला होता है, 30 आवर्स आवर यहाँ पे देना है 11/2 मिनट्स। तो 30 × जो है 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 11/2 × 37, तो ये आपका 120 हो गया, और इधर आपका जो है 37 हो जाता है 70407। 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा। निगेटिव को आप नेगलेक्ट करेंगे 83.5 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, निगेटिव आप इनको छोड़ देंगे। तो मेरे ख्याल से ये सही होना चाहिए। अब आप लोग अपना जो है इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन को, या फिर किसी भी रीजनिंग वाले टीचर से पूछ लीजिएगा। आगे जब भी जो है क्वेश्चन रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो किसी ना किसी टीचर के थ्रू जो है छोटा सा वीडियो क्लिप बना के उसको मैं इंक्लूड कर दूंगा इसमें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू दिया गया है 2, और इसमें आपको कॉट थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, कॉट थीटा आपका कितना होगा ये बात पूछ रहा है। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, तो आप किसी प्रकार से इसको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करें। अगर हम थीटा का यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, थीटा तो 0 से 90 तक तो कोई पुटिंग नहीं हो पाएगा यहाँ पर। अगर हम इसको पाइथागोरियन टिप्लेट 3, 4, 5 पे फॉलो करें, 3, 4, 5 पे, तो अगर हम इसको 4 दे दें, इसको 3 और इसको 5, तो ये हमारा 5/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4 इक्वल टू 8/4 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इस पर सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि जो है आप लोगों को जो है ज़्यादातर मालूम नहीं रहता है। यहाँ से क्वेश्चन कॉट थीटा का आंसर जो है 3/4 आ जाएगा, यानी 0.75 आ जाएगा आपका। अगर आप जो है इस तरीके से नहीं कर पाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को लीजिए, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम उधर कर देते हैं 2 - cot θ। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग कीजिएगा, तो ये आपका जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा 4 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 × 4 कॉट थीटा, यानी a माइनस b के होल स्क्वायर पर हम इसको तोड़ दिए हैं। अब यहाँ ये इधर आ जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर आप 4 कॉमन ले सकते हैं, 1 - cot θ आपका हो जाएगा। तो ये आपका तो 1 हो गया, 1 - cot θ, और ये आपका 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो cot θ 1 में आपका 1/4 जाएगा, तो आपका 3/4 आ जाएगा, यानी आंसर इसका जो है 0.75 आ जाएगा आपका। तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं, ज़्यादातर आप ये बेहतर रहेगा, या फिर आप इसको भी कर सकते हैं, हालांकि ये हर जगह जो है आप सोच नहीं पाइएगा। कहता है एक लॉन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में वह 20 चक्कर लगाता है, 1 मिनट में लगाएगा 20/60। कहता है 25 मिनट के दौरान, तो 25 मिनट में लगाएगा इतना चक्कर, ये आपका जो है 25 मिनट में लगाए गए चक्करों की संख्या हो गई। और एक चक्कर जब लगाता है तो 360 डिग्री बनता है, 360 डिग्री को अगर आप रेडियन में लिखेंगे तो आपको 2π रेडियन लिखना पड़ेगा, यानी 2π से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका जो है 25 × 50π/3 रेडियन, यानी जो है आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है,
कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? 333, 441, 192, 327। ये तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 441 होगा। लेकिन अब इसमें कह रहा है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप जानते हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आ सकता है। तो 2 वाले ख़त्म, 3 वाले ख़त्म, 7 वाले ख़त्म, बच क्या गया आपका 441, जो कि आपका 21 का स्क्वायर होता है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2120 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक शटल कॉक का आकार एक गोलार्ध पर बने हुए शंकु के छिन्नक यानी फ्रस्टम जैसा है, तो फ्रस्टम का बाहरी व्यास 5 और 2, बाहरी व्यास 5 और 2, पूरे शटल कॉक की ऊंचाई 7 है, तो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यह क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, खिलौना वाला सवाल आपको याद होगा, अभी भी पूछ रहा है, या इस टाइप के जो है शटल कॉक आपको जो है बना लेने, ये जो आपका है अर्धगोला हमने बना लिया और इस टाइप का जो है फ्रस्टम ऊपर दिया गया और नीचे से जो है आपका अर्धगोला है, तो यहाँ पे जो बाहरी व्यास दी गई है, बाहरी व्यास इसकी और इसकी, तो बाहरी व्यास दिया गया है 5, तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.5, 5 का आधा 2.5 हो गया। भीतरी व्यास 2 दिया गया है, तो 1 सेंटीमीटर जो है ये आपका हो जाएगा, ये 1 हो गया आपका, ये बड़ी आर हो गया और ये आपका छोटी आर हो गया, ये आपका हाइट हो गया। तो पूरा हाइट जो यहाँ से यहाँ तक दिया गया है वो 7 दिया गया आपका, 7 दिया गया, उसमें से 1 आपको घटा लेना, यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा आपका, तो ये आपका बच जाएगा कितना 6। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बताइए, यानी पूरा बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है एरिया निकालना है आपको। तो सबसे पहले जो है आप फ्रस्टम का एरिया लीजिएगा और फिर जो है आपका गोलार्ध का एरिया लीजिएगा। तो फ्रस्टम का एरिया हो जाएगा पाई आर एल, आर तो यहाँ छोटी आर और बड़ी आर दोनों को ऐड करना पड़ेगा, एल प्लस अगर आप जो है गोलार्ध का लेते हैं तो 4π² का आधा 2π² 2πr², तो यहाँ पर आप इसको फॉलो कीजिएगा। इसमें आप ज़रूरत क्या है, 22/7 आप कॉमन ले सकते हैं, फिर आपके पास R प्लस आर है तो आप यहाँ पे R प्लस आर का क्या मान दे सकते हैं 3.5, तो 3.5 इंटू एल की ज़रूरत है आपको, यानी स्लेंट हाइट की आपको ज़रूरत है, तो स्लेंट हाइट आपको निकालना पड़ेगा h स्क्वायर प्लस R माइनस आर का स्क्वायर। तो h कितना है आपका 6 का स्क्वायर 36 और ये आपका जो है 2.5 में 1 चला जाता है तो 1.5 का स्क्वायर, तो ये आपका जो 36 और उधर आपका 2.25 हो जाएगा, तो यानी 38.25 हो जाएगा। अगर आप इसका वर्गमूल निकालना चाहें, चूँकि ये 36 के आसपास है तो 6 point something होना चाहिए इसका वर्गमूल, 6 point आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं 25, ये आपका जो है 36 हो जाएगा 6 और ये 6, 6, 12 हो जाएंगे, फिर आप जो है इसको 2.25, तो पॉइंट यहाँ पर आ गया, एक बार में लगाइएगा 121 यहाँ पे, तो ये आपका 122 और ये आपका जो बच जाता है 104, 9 से तो नहीं लग पाएगा, 8 से यानी 6.18 जो है आपका सेंटीमीटर स्लेंट हाइट निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है 6.18 एल के जगह पर पुटिंग कर देंगे, तो ये आपका इतना दूर का वैल्यू हो गया, प्लस 2 इंटू पाई तो हम कॉमन ले चुके हैं, आर का स्क्वायर, आर हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो उतना ही रहेगा 22/7। आप इसको छोटा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करने के बाद जो है इसका 74.26 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपके सही आ जाएंगे इस क्वेश्चन के। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन आपको जो है हार्ड करना है वो आप कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 21 नंबर क्वेश्चन,
कहता है दो भिन्नों का योग दिया गया है 5/6 और इनमें से एक 3/4 है तो दूसरी बताना है। तो आप चाहे योग दिया गया है और एक दिया गया है, एक भिन्न का मान दिया गया तो घटा सकते हैं आप, सेकेंड फ्रैक्शन निकल जाएगा आपका। 5/6 दोनों का योग दिया गया है और एक दिया गया है आपका 3/4। तो आप इसको जो है 6/4 का LCM लीजिएगा, 12 हो जाएगा, इधर आपका जो है 10 हो जाएगा, इधर आपका जो है 9 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा आपका, यानी आपका 1/12 आंसर आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि पहली 5 त्रिकोणमितीय संख्याओं का क्या माध्य होगा। ट्रायंगुलर नंबर के बारे में पिछले वीडियो में हमने जो है, यानी ALP के फर्स्ट वीडियो में जो आपका ट्रायंगुलर नंबर के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे फिर से एक बार हम चर्चा कर देते हैं ट्रायंगुलर नंबर के बारे में। यहाँ पे हमने थोड़ा सा संक्षेप में यहाँ पे हम सिर्फ बता देते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लीजिए, 1, 2, 3 जितना भी है, और अगर आपको ट्रायंगुलर नंबर निकालना है, ट्रायंगुलर नंबर आप इसको TN से डिनोट कर सकते हैं, तो आप इसको n(n+1)/2 का फार्मूला पर आधारित करके इसको आप निकाल सकते हो। जैसे 5 यहाँ पे दिए गए हैं तो आप जो है T1 करके निकाल सकते हैं, 1 × 1 = 2/2, इस तरह से जो है 1 हो जाएगा आपका, इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर आप यहीं से आप सोच लीजिए 1 और इसको आप ऐड कर लीजिए तो 2, 1, 3, फिर इस तीनों को ऐड कर लीजिए, 3, 2, 5, 1, 6, फिर यहाँ से 4 ऐड कर लीजिए, 6, 4, 10, फिर 5 ऐड कर लीजिए, 15, इस तरह से आप ऐड करके भी निकाल सकते हैं। या फिर डायरेक्टली अगर कहेगा कि ट्रायंगुलर नंबर में से दसवां ट्रायंगुलर नंबर निकालिए, तो ये सूत्र जो है आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे 10 पुटिंग कीजिएगा n के जगह पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 55। तो इस क्वेश्चन में जो है इसका क्या पूछ रहा था, माध्य पूछ रहा है, यानी एक तरह से एवरेज कर सकते हो। तो टोटल योग निकाल लीजिए 1+3+6+10+15/5, तो ये आपका 10, 20, 25, 35 आपका हो गया 5, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 7 आ जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपके सही होंगे। ट्रायंगुलर नंबर निकालने के लिए बेस्ट फार्मूला है, पिछले वीडियो में हमने बताया था। क्वेश्चन नंबर 23 मतलब समझ रहे होंगे, 2123 है, हम पूरी उस क्वेश्चन को जो है नाम पूरा नहीं ले रहे हैं, 23 नंबर क्वेश्चन आप समझदार है, समझ चुके होंगे। क्रिस पार्थिव से जो है 5 वर्ष छोटा दिया गया है, क्रिस जो है पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, और अंत में जो है क्रिस का ही प्रेजेंट एज निकालना है, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो 5 वर्ष इससे छोटा है वो, इसको 5 साल बड़ा कर देते हैं। कहता है 8 वर्ष पहले, तो अगर हम 8 ईयर्स एगो जाते हैं पीछे, तो ये हमारा x-8 और यहाँ 8 घटाएंगे तो हमको बचेगा x-3। कहता है 8 वर्ष पहले क्रिस के उम्र का 3 गुना, इसके उम्र का 3 गुना पार्थिव के दुगने से 10 वर्ष ज़्यादा है, 10 वर्ष आपका ज़्यादा है। इक्वल करने के लिए आपको उधर 10 जोड़ना पड़ेगा, हालांकि ये 10 वर्ष बड़ा है, लेकिन जो इधर जोड़ कर आप इक्वल कर सकते हैं, 3x, 2x, तो बच जाता है आपका x, इधर आपका जो है 6 हो गया, बच गए 4, और इधर आपका 24, तो 4 इधर पॉजिटिव में, इधर आपका 24, यानी यह जो है 28, यानी एक्स का वैल्यू जो है 28 ईयर्स आ जाएगा, कृष्ण की वर्तमान आयु। अगला क्वेश्चन है 2124। कहता है कोई व्यक्ति जो है 60 रुपया में एक वस्तु को खरीद कर उसे 25% लाभ पर बेच देता है, तो आप 60 का 25% जो है आप जानते ही हैं 15 होता है, यानी 15 उसमें ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, यानी उसको 75 रुपया में बेचना पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट SP निकाल लीजिए, 60 रुपया उसका क्रयमूल हो गया, और 25% ज़्यादा लाभ लेकर, तो 125% आप निकाल लीजिए, वही आपका 75 इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 है। क्वेश्चन कहता है दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। एक नेचुरल नंबर दिया गया है A, B, C, D और E, ये आपके 5 नेचुरल नंबर हैं, और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये प्राकृत संख्याएं जो हैं इनमें से
इनमें से विषम संख्याएं कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है, कि चारों जो दिया गया है ए बी सी डी और ई, इस चारों में से कौन सी विषम संख्या है, ये बात पता लगना। हाँ, इतना क्लियर है कि ये चारों जो है आपके प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे, कहता है क्वेश्चन में ए बी सी डी और ई प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं हैं या प्राकृतिक संख्या, तो इसे तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। तो ये तो हमको पहले से ही मालूम है कि ए बी सी डी प्राकृतिक संख्या है, और यहाँ वही बात यहाँ पे हो गई, तो इससे तो ये मालूम नहीं चला कि पांचों में से कौन सा आपका ऑड नंबर है। तो पहला से तो आपका पता ही नहीं चला बिल्कुल। बी नंबर कहता है, सॉरी दो नंबर कहता है कि बी एक अभाज्य संख्या, बी अभाज्य संख्या है। इस कंडीशन से अब उसमें देखते हैं कौन सा विषम संख्या होगा। एक तो हमको पता है कि सारे अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है, बशर्ते दो को छोड़कर, यानी दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो अभाज्य होते हुए भी सम संख्या है। तो इस कंडीशन से भी हमको कुछ नहीं मिलता है। अगर हम जो यहाँ पे ले ए बी सी डी और ई, यहाँ पे अगर हम दो लें, अगर हम एक तो क्वेश्चन में यहाँ पे लगातार प्राकृत संख्या नहीं कह रहा, तो लगातार तो हम बिल्कुल ले ही नहीं सकते हैं, इसको तो हम बिल्कुल ले ही नहीं सकते हैं। अगर हम कोई नेचुरल अभाज्य संख्या ले लें, 23 ले लें यहाँ पर, अब तो लगातार दिया हुआ नहीं है, तो हम कोई भी नंबर से ले सकते हैं, यहाँ 25 ले सकते हैं, यहाँ 42 ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो है कुछ भी कंडीशन जो है आपका फॉलो नहीं कर रहा है, यानी पहला भी आपका जो है कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा रहा है, और दूसरा भी आपका जो है किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा रहा है, यानी जो है ये दोनों अपर्याप्त हो जाएंगे। तो इस हिसाब से जो है आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ना ही आपका वन है पर्याप्त और ना ही आपका दो पर्याप्त है। तो ये डाटा सफिशिएंसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26। क्वेश्चन कहता है 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हम दो तीन वीडियो से आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 54 होता है, तो उसी तरह से हम 5 दें 15, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा को 15 मीटर प्रति सेकेंड हम बोलेंगे। तो यानी ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंडों में पार कर जाती है। तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी दूरी तो तय करेगी, उस प्लेटफॉर्म की दूरी भी तय करेगी। इस क्वेश्चन में कहता है प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हम मान लेते हैं एल, एल हमारा प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई। ट्रेन की लंबाई कितनी, 150, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया 150 प्लस एल, दूरी बराबर चाल गुने समय। अभी तुरंत हमने कहा 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपका, किलोमीटर प्रति घंटा, वो आपका 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा आपका। तो यहाँ 15 लिख देते हैं 54 की जगह पर, और ये 42 सेकेंड में पार कर जाता है, तो 42 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका 15 दूनी 30, 15 चौका 60, ये 630, और 150 अगर हम घटा देते हैं तो आपके पास बस जाता है 480 मीटर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है 27। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है, और एक संख्या दी गई है 1.6, तो दूसरी संख्या बताना है। तो दोनों संख्या और गुणनफल में पहली संख्या से हम डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नीचे पॉइंट के बाद तीन अंक है, और सॉरी ऊपर पॉइंट के बाद तीन अंक और नीचे पॉइंट के बाद एक अंक, तो दो अंक यहाँ पे पॉइंट के बाद दो अंक बच जाते हैं। अब इसको आप अगर डिवाइड करते हैं तो ये आपका जो है 16 दूनी 32 और 16 3 112, यानी आपका जो है 27, और दो अंक बचे हुए थे, यानी आपका आंसर हो जाएगा 0.27, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। एक सारणी दी गई है, और उस सारणी में से ही आपको जो है कुछ खर्च दिए गए हैं, वेतन, भोजन, दवाई और टैक्स,
ये सब आपके दिए गए हैं। तो कहता है प्रति वर्ष औसत वेतन यानी एवरेज सैलरी निकालना है आपको 2001 से 2006 के दौरान यानी टोटल। तो आपको जो है एवरेज निकालना है किसका, सैलरी का। तो आपको सैलरी का टोटल आइटम्स जोड़ना पड़ेगा 1500 प्लस फिर उसके बाद 2600 दिया गया है प्लस ये आपका हो गया 3200 फिर आपका प्लस 4100 फिर आपका जो है 5000 फिर आपका जो है 5200 और ये आपके कितने हो गए 3 3 6। अब इसको जोड़ कर डिवाइड कर देना है आपको 20 तो जो है दोनों में सेम ही है आपका, यहाँ आपका जो है रहता है 102 फिर आपका 103 और 40 ये जो है आपका 143 हो जाता है 32 फिर आपका 150 200 और ये आपका 216 हो जाएगा आपका, ठीक है ना 216 15 26 6 2 8 ठीक है 6 से अगर हम डिवाइड करें तो 36 से 216 होता है यानी आपका जो है 3600 जो है रुपया एवरेज आ जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल जो है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है 19 माइनस माइनस 2 इंटू माइनस 8 ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अब खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस 4 ये आपका और ये आपका जो है 19 और इधर आपका जो है 16 पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे जो है 16 हो जाएगा तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है माइनस 12 19 में से 16 जाएगा आपका 3 बच जाएगा आपका। इस सेट में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, एक जो है आपका फ्रस्टम वाले सवाल जो है कैलकुलेशन की दृष्टि से वो थोड़ा सा जो है हार्ड कैलकुलेशन था, बाकी सब आपका क्वेश्चन इजी ही है। अगला क्वेश्चन है आपका 2130 कहता है यहाँ पे 2 sec² x - 10² x = 5 कहता है थीटा जो है 0 से बड़ा होगा बराबर और 90 के इक्वल और उससे छोटा होगा तो x का मान क्या होगा ये बात पता लगाना। तो x का वैल्यू रखने से पहले आप सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं sec² x और प्लस sec² x दो बार आपने लिख दिया 10² x और ये आपका 5 तो ये आपका 1 हो गया तो sec² x = 5 में आपका 1 गया 4 तो sec x = आ जाएगा आपका 2 और ये जो है 2 कितना डिग्री में होता है तो 60 डिग्री में होता है आपका तो x का वैल्यू जो है आपका 60 हो जाएगा। अगला फिर छोटा सा क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं 31 कहता है 175 रुपया में कपों का एक सेट खरीदा है दीप्ति ने और पुराने स्टॉक को ख़त्म करने के लिए 161 में बेच देता है तो कितने परसेंट का उसको लॉस हुआ है। तो 175 में ख़रीदा 161 में बेच दिया तो इधर 9514 का जो है उसको लॉस लग गया है 175 में से, ये आपका 25 सती और ये आपका 25 चौका इधर से काट दिया आपका 4 × 8% का जो है आपका लॉस लग गया है। तो ये आपका जो है 31 हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन 2132 10% लाभ मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 था, 400 का 10% आपका जो है 40 हो जाता है यानी उसका CP 400 होगा या फिर आप निकाल सकते हैं CP बराबर SP गुने 100 और 110% था तो 110% आपको लिखना पड़ेगा ये आपका 4 से तो ये आपका 400 रुपया CP हो गया। अब इसको 370 में कह रहा है कि बेच देंगे तो कहता है कितना परसेंट का जो है इसको लॉस लगेगा, 30 रुपया का लॉस लग जाएगा 400 में से गुने 100 20 आपका कैंसिल हो जाएगा 15/2 यानी 7.5% का जो है इसको लॉस लग जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन इस रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा जगह बनाएंगे हम इसके लिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि साई जो है साई और सतीश की वर्तमान आयु का प्रेजेंट एज जो है 5:4 दिया गया है आज से 3 वर्ष बाद, आज से अगर 3 इयर्स बाद जाते हैं
तो उसका रेशियो 11:9 हो जाता है। और वर्तमान में सतीश की आयु कितनी है ये बात पता लगाना है आपको। तो इसके दो तरीके हमने बताए थे, यहाँ भी हम दो तरीके से इसके जो है सोल्यूशन कर देते हैं। सबसे पहले अनुपातिक राशि निकालते हैं। अनुपातिक राशि किस प्रकार से निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तिरछे गुणनफल का अंतर। तो ये आपका 9 × 45 और ये आपका 44, यानी 1 का डिफरेंस हो गया। तिरछे गुणनफल का अंतर यहाँ पे लिखते हैं दूसरे अनुपात का अंतर। दूसरे अनुपात का अंतर कितना का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, इनटू समय का अंतर। समय आपका 3 का है, यानी इस क्वेश्चन अनुपातिक राशि जो है आपका 6 निकल गया। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सतीश की आयु कितनी है, सतीश आपका 4 दिया गया है, तो सतीश का जो प्रेजेंट एज है वो आपका 6 अनुपातिक राशि और 4 उसका जो है 6 × 24 साल आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका भी हम बताए हुए थे 5:4 और 11:9 और ये डिफरेंस है आपका कितने का, 3 साल का। तो इस सवाल में सेकेंड मेथड हालांकि जो है बेस्ट मेथड है। इसमें आपको करना क्या रहता है कि आप डिफरेंस देखिए, 5 × 11 जाता है तो आपका 6 और यहाँ आपका जो 9 × 5 = 4, डिफरेंस सेम नहीं है तो हमको डिफरेंस सेम बनाना है। उसके लिए आप जिससे मल्टीप्लाई कर सकें, तो आप यहाँ देखिए 5 और 4 में कितना का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, तो 1 का डिफरेंस इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले वाले का जो डिफरेंस है वो दूसरे वाले में गुना करेंगे, दूसरे वाले में जो डिफरेंस है वो पहले वाले में गुना करेंगे। तो दूसरे वाले में कितना का डिफरेंस है, 2 का, तो वहाँ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा रेशियो 5 × 10 और ये 4 × 8 और ये आपका 11:9। अब देखिए यहाँ पे जो है डिफरेंस सेम आ रहा है 1:1 का। डिफरेंस सेम करने के लिए आप ऐसा करेंगे तो 1:1, तो 1 में जो है आपका 3 हो जाएगा, तो सतीश बाबू का आयु कितना हो जाएगा, 8 × 24, यानी 24 साल उसका प्रेजेंट एज है। सेकेंड आपका मेथड जो है बेस्ट मेथड है, हालांकि फर्स्ट ज़्यादातर मैं तो फर्स्ट से ही बना लेता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा उससे प्रैक्टिस रहता है और जल्दी बन भी जाता है। जैसा आपको उचित लगे, फर्स्ट सेकेंड जो भी मेथड आपको सुटेबल बुझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34। क्वेश्चन कहता है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना वह 5/6 से कम है। तो ऐसे सवाल आप जो है इस प्रॉब्लम में मिलते होंगे। आपको करना क्या रहता है कि इस दोनों डाटा को जोड़कर 2 से डिवाइड करना रहता है, तो आप उसे कर सकते हैं। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन को आप देखिए, दोनों डाटा को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, बीच वाले का जो है आपका एक तरह से कहिए कि एवरेज निकाल लीजिए, या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। हमने जो है 3 डाटा ले लिया है और यहाँ हमने जो है इसको 5 दे दिया, इसको 10 दे दिया और इसको 15 दे दिया। अगर आप इसको लैंग्वेज में कहना चाहें तो आप किस प्रकार से लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे कि बी ए से उतना ही अधिक है, बी ए से उतना ही अधिक है, कितना अधिक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, घटाएंगे, डिफरेंस निकालेंगे। बी ए से उतना ही अधिक है जितना सी से वो कम है। सी से कितना कम है तो भाई उसके लिए भी आप डिफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो सेम इसी तरह से जो है हमने इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। इसका हमने कह दिया 4/7, ये भिन्न का हमने नाम रख दिया x और इस भिन्न का हमने नाम रख दिया 5/6। तो अब इस क्वेश्चन के मुताबिक आप सोच कर देखिए कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न हमने x मान लिया, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है। तो कितना अधिक है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी x में आपको जो है बड़ा में आपको छोटा घटाना पड़ेगा, x − 4/7 उतना ही अधिक है जितना वह 5/6 से कम है। तो आप 5/6 − x, तो घूम फिर के आपका जो है वही आ जाएगा डाटा, दोनों जोड़ कर आप जो है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका 7/35 और 24 और 59 हो जाएगा, 7/42, 42 × 2 आपका 84 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है 59/84 हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। आई होप ये बढ़िया से समझ आ गया होगा आपको, ये हमने डेमो एक तरह से आपको समझाने के लिए बताया था। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 गुणन 2 दशमलवों
का गुणनफल 0.768 है, और यदि एक दशमलव संख्या 1.6 है तो सेकेंड, ये तो कुछ देर पहले ही क्वेश्चन हुआ था आपका, तो अगर आप काटिएगा तो 16 50 80 चार से ही कटेगा, और 16 8 आपका 128 यानी 0.48 आ जाएगा आपका। 122 प्लस 345 माइनस 1 गुने 1011 डिवाइडेड बाई 337, ये आपका क्वेश्चन दिया गया। तो आप सबसे पहले इसको ऐड कर लीजिए, तो ये आपका जो है 426 467 हो जाएगा, और 1011 को आप 337 से भाग देंगे तो दो बार में तो नहीं तीन बार में, तो 467 में तीन घटाइएगा आपका 464 आपका आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको जो है प्रैक्टिस कीजिए लगातार, अगले वीडियो में मिलते हैं। चूँकि आज मेरी तबीयत जो है बहुत ख़राब चल रही है, इसलिए जो है मैं थोड़ा डल आपको दिखाई पड़ रहा हूँगा, फिर भी मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहे तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगले वीडियो में।